यूपीए का जो पिछले 10 साल का राज है, ये हमारा हिंदुस्तान का जो किसान है उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक समय गया है, गुजारा है। और किसान जो हमारा सरकार का जो कृषि नीति है, वो कृषि नीति के चलते आज हिंदुस्तान के किसान बर्बादी का कगार में पहुंच गया। जब से 91 से जब से नव उदारवादी नीति को अपनाया है, तब इस हालत और बिगड़ने लगा। इस समय के अंदर करीब 3,10,000 किसान खुदकुशी की पूरे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में काल खबर आया, दो हफ्ता में, पिछले दो महीना में करीब 2 दर्जन से किसान खुदकुशी की। तो जो कांग्रेस का राज हो या महाराष्ट्र में या बीजेपी का राज हो, सब जगह में किसान खुदकुशी कर रहा है। ये है संकट का सबसे भयानक रूप है। मगर क्यों ऐसा हुआ, हम किसान सभा इस बात में चर्चा किया और देखा कि आज कृषि हिंदुस्तान में एक घाटे का सौदा हो गया। किसान कृषि छोड़ना चाहता है। आज करीब 42% किसान, 42% किसान ने बोला दूसरा चांस मिलेगा तो हम कृषि छोड़ देंगे। इसका कारण यह है क्योंकि इसका लागत का खर्चा इतना बढ़ गया कि किसान संभाल नहीं पा रहा है। जब खाद का दाम 200% 200% बढ़ गया पिछले 4 साल में। हर खाद का, बीज का दाम तो 5% से लेके 500% तक बीज का दाम बढ़ा। डीजल का दाम हर ऑल्टरनेट डे में बढ़ते रहा है। उसका पानी उठाना भी, मशीन पंप चला के या ट्रैक्टर चलाना, इसमें खर्चा बढ़ते जा रहा है। इस तरह उसका सारे जो खर्चा इतना बढ़ गया, और दवा का खर्चा भी। अरे ये सारे पहले क्या, बीज ये सब पहले किसान खुद अपना देश से लेता था, खुद बीज तैयार करता था, मगर सरकार नवोदारवादी नीति के चलते सारे बीज और पेस्टिसाइड वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मॉन्सेंटो जैसे बड़े बड़े कंपनी को दिया, और वो लोग लाखों करोड़ों रुपया का मुनाफा कमा रहा है। सब चीज़ को दाम इतना बढ़ाया, इससे खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ाने के बाद जैसा फसल उगते हैं तो फसल के जो दाम का सवाल आता है, सरकार जो दाम देता है ये बिल्कुल रेमुनरेटिव नहीं है। जैसा पिछले साल 1400 रुपया गेहूं का दाम ऐलान किया है, जबकि उसके दाम किसान ने, किसान सभा या राज्य सरकार भी रिकमेंड किया था 1800 रुपया होना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया जो फसल का दाम होना चाहिए कि खर्चा प्लस 50%, मगर ये नहीं हो रहा है। इसके कारण किसान बर्बाद हो रहा है। किसान का तो कर्जा नहीं मिलता, 42% किसान का कर्जा लेता है वो हमारा प्राइवेट लोन के पास, और हमारा सरकार बोल रहा है हम कृषि ऋण बढ़ा दिया, 7.5 लाख करोड़ हम किसान का लोन दिया। मगर ये आप तज्जुब बन जाएंगे, इसका ज़्यादा प्रतिशत ज़्यादा एग्रो बिजनेस में। 33% लोन, कृषि लोन शहर का ब्रांच से दिया गया। शहर का ब्रांच में किसान कहाँ से जाके लेगा? तो ये सब साबित करता है, ये झूठ प्रचार होता है किसान का। जो नुकसान हुआ था, जो किसान बोला 65,000 करोड़ हम क्षतिपूर्ति किया पिछले किसान का नुकसान भरने के लिए, मगर बहुत सारे CAG रिपोर्ट आया है वो गलत लोग को दिया गया, सब सही इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सब भी सवाल है। तो इसलिए सामग्रिक रूप से किसान आर्थिक रूप से काफ़ी घाटे में है। किसान का हालत ख़राब है, जॉबलेस ग्रोथ के कारण नया नौकरी का जगह भी नहीं है। तो हर मिला के किसान के लिए एक ज़िंदगी परेशानी का ज़िंदगी हो गया, और इसके लिए, इसके खिलाफ़ हमारा किसान को बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ़ बगावत करने के अलावा किसान बच नहीं सकता। UPA सरकार का नीति किसान विरोधी है, और विकल्प नीति के लिए जब कृषि नीति होगा, किसान को पक्षधर नीति होगा, तभी किसान बच सकता। इसके अलावा उसके सामने जीने का कोई रास्ता नहीं है।